टाइटल? सोहरा का मतलब होता है जलसा, सेलिब्रेशन. जी हाँ, जलसा वुड प्रोबेबली मीन अ पार्टी, बट सेलिब्रेशन होता है तो जलसा होता है ना. सो एक सही तरीके से, सही मायने से जब आप जिंदगी जीनी चाहिए आपको, उसे नाउ हियर एंड देन जो हम कहते हैं ना, कि बाद में पता नहीं क्या होगा. सो कुछ इस एंगल से सोचकर शायद गजाने इसका नाम सोहरा रखा हुआ, कि यू सेलिब्रेट लाइफ. और ये चीज़ बहुत सुंदर है हमारे सिनेमा में. मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये जिसे कहते हैं गलत फहमी. जी, गलत फहमी जब बढ़ती जाती है तब उसका नतीजा जो निकलता है उसके बारे में ये फिल्म है, ऐसा मुझे लगता है. सोहरा इज कुछ होने के बाद जो फीलिंग आई है वो है सेलिब्रेशन के आसपास थोड़ा सा वो जाता है. ये हमने अपने गमों का, अपने दुखों का, अपनी गलतियों का सेलिब्रेशन किया हुआ है इसमें, उसको सोहरा के स्टार. और एक सेंसिटिव फिल्म बनाने की कोशिश की है गजेंद्र अहिरे ने, जिसका नाम है सोहरा, और जिसमें मैं जो किरदार निभा रहा हूँ वो भी बहुत ही सेंसिटिव है. जब आप इसका पोस्टर देखेंगे या आप इसका ट्रेलर देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अनुमान होगा कि ये सेंसिटिव कैरेक्टर है, और इसकी सेंसिटिविटी किस डेप्थ में है. और जब आप फिल्म देखेंगे तब हो सकता है आप को सिंपथी भी महसूस हो इस कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि ये अलग किस्म का रोल मैंने करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे सामने ऐसा रोल लेके आया गजेंद्र, जो कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा रोल किया नहीं था. और जो नहीं किया होता है वो करने का आनंद, करने की खुशी बिल्कुल अलग होती है. और जो मुझे मिली इस फिल्म में काम करके, जिसके वजह से मैं बोकाड़िया साहब का, गुंडेचा साहब का और गजेंद्र अहिरे का मैं शुक्रगुजार हूँ. एज ए डायरेक्टर, एज ए मुझे मेकर, इतना सेटिस्फेक्शन है सर. वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ माय करियर. ऑल दो अभी तक मैं समझता हूँ 50 के बाद तो मैं गिनना भी बंद कर दिया. मोर देन 50 फिल्म हुई है जिसमें हर बड़े एक्टर के साथ काम किया, बट इनकी सिंसियरिटी और इनके परफॉर्मर जो मराठी फिल्म एक्टरों की देखी मैंने, इसलिए मैं इन सबको सर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. इन्होंने बहुत अच्छा